सो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग सर्च हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर करते भी हैं तो यहाँ पर एक एक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस पर एक क्लिक करेंगे तो एक ही डिलीट होती है। एक साथ में सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपके एक मंथ से ज़्यादा की हिस्ट्री हो चुकी है तो दोस्तों कैसे डिलीट करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। अगर मेरे दोस्त वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो आसानी तरीके से आप यहाँ पर अपनी सर्च हिस्ट्री को आप डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों डिलीट कैसे करना है, उसे जाने से पहले अगर तक अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों करना कि यहाँ पर आपको अपने लोगों पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हमारी इंस्टा यूजर आईडी देखने को मिल रही है anurag/kushwaha520। अगर दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो दोस्तों आप हमें इस इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। कर देने के बाद वो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली सा आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट सेंटर आपका इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च हिस्ट्री एंड अपलोड कॉन्टेंट। तो दोस्तों नीचे अपलोड कॉन्टेंट पर क्लिकेंगे, जो भी आपने कॉन्टेंट अपलोड किया वो देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे सर्च हिस्ट्री डिलीट करना है, सर्च हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाता है कीप सर्च फॉर 30 डेज, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ऑटो क्लियर सर्च हिस्ट्री, दोस्तों यहाँ पर आप अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 30 दिनों की जो है सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद 14 दिनों की अगर करना चाहते हैं, या 7 दिनों की, या 3 दिनों की। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जितने दिनों की यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर टिक कर देते हैं, कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे थे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आपको कर देना है कन्फर्म। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप कन्फर्म कर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक आना है। हम दोस्तों यहाँ पर बैक आएंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने सर्च पर जाना है। दोस्तों सर्च पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार इंस्टाग्राम से बैक आना है। दोस्तों जैसे आप इंस्टाग्राम से एक बार बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने सर्च हिस्ट्री पर आ चुके हैं, सर्च हिस्ट्री पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कोई भी सर्च हिस्ट्री यहाँ पर नहीं रही है। तो गाइज़ इस तरह से जो है आप अपने इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।